अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। पेसमेकर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो चेस्ट की कॉलर बोन में इम्प्लांट की जाती है। ये डिवाइस माइल्ड इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करती है जो कि स्किन में मौजूद वायर्स के थ्रू हार्ट तक पहुंचती है और इन रेगुलर हार्ट बीट को नॉर्मल करती है। पेसमेकर डिवाइसेस की 3 टाइप्स होती है। नंबर 1 सिंगल चैम्बर पेसमेकर, नंबर 2 डबल चैम्बर पेसमेकर और नंबर 3 बाय वेंट्रिकुलर पेसमेकर। नंबर 1 सिंगल चैम्बर पेसमेकर। सिंगल चैम्बर पेसमेकर सिर्फ राइट वेंट्रिकुलर को पल्स प्रोवाइड करते हैं। नंबर 2 डबल चैम्बर पेसमेकर। डबल चैम्बर पेसमेकर्स राइट और लेफ्ट दोनों वेंट्रिकुलर्स को पल्स प्रोवाइड करते हैं। नंबर 3 बाय वेंट्रिकुलर पेसमेकर्स, जबकि बाय वेंट्रिकुलर पेसमेकर्स ज्यादातर हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में इम्प्लांट की जाती हैं और ये हार्ट की लोअर वेंट्रिकुलर्स को पल्स प्रोवाइड करती है। पेसमेकर्स को सर्जरी करके कॉलर बोन के नीचे फिट किया जाता है। पेसमेकर की सर्जरी की 3 वजूहात हो सकती है, जिनमें कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स का होना, साइनोएट्रियल नोड्स का खराब हो जाना और स्ट्रेस वगैरह से हार्ट बीट का अबनॉर्मल होना शामिल है। साइनोएट्रियल नोड्स, जिन्हें नेचुरल पेसमेकर भी कहा जाता है, हार्ट के राइट एट्रियम में मौजूद होते हैं। साइनोएट्रियल नोड्स माइल्ड इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस प्रोड्यूस करते हैं जिनसे हार्ट की कंट्रैक्शन और पंपिंग रहती है। अगर डिफेक्ट की वजह से साइनोएट्रियल नोड्स काम करना छोड़ दें तो हार्ट बीट इनरेगुलर हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट की कंट्रैक्शन और पंपिंग ठीक से नहीं हो सकती। ऐसी कंडीशन में स्किन के नीचे वायर्स डाल के हार्ट को कॉलर बोन में इम्प्लांटेड पेसमेकर के साथ कनेक्ट किया जाता है। इस तरह पेसमेकर डिवाइस जब इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करती है तो वायर्स के जरिए हार्ट में जाती है और हार्ट की कंट्रैक्शन और पंपिंग को नॉर्मल करती है। इसके अलावा कुछ जेनेटिकल डिफेक्ट जैसे कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज वगैरह भी हार्ट के रिदम को डिस्टर्ब करती है। ऐसी कंडीशंस में भी पेसमेकर डिवाइसेस को इम्प्लांट किया जाता है। पेसमेकर के पेशेंट्स में अक्सर हीमोथेरेक्स होने के चांसेस होते हैं। हीमोथेरेक्स एक ऐसी कंडीशन है जिसमें लंग्स और चेस्ट के दरमियान मौजूद स्पेस में ब्लड जमा हो जाता है। इसके अलावा पेसमेकर के पेशेंट्स में इम्प्लांट वाली साइट पर इन्फेक्शन या ब्लड क्लॉटिंग होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। पेसमेकर के पेशेंट्स को सेल फोन चेस्ट एरिया से मिनिमम 3 इंच के फासले पर रखना चाहिए, जबकि ट्रांसफॉर्मर्स या वेल्डिंग मशीन से 2 फीट के फासले पर खड़ा होना चाहिए, जो पेसमेकर की इलेक्ट्रिक इम्पल्स के साथ इंटरफेयर करके हार्ट के रिदम को इनरेगुलर कर सकती है। सो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया।